वेलकम टू नाने क्लासेस दोस्तों। नाने क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे अपराध के विरुद्ध रिस्पॉन्स टाइम में राजस्थान अव्वल, रक्षाबंधन पर महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा और कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 विधेयक को मंजूरी, पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डेली आपको ये 8 बजे क्लास मिलती है, लेकिन आज आपको नानक क्लासेस पे क्लास नहीं मिली, नानक क्लासेस शिव सर पर मिली है, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ी सी हाथ में चोट लगने की वजह से मैटर तैयार नहीं किया जा रहा है उस वजह से, लेकिन मंडे से आपको सुचारू रूप से सही डेली की डेली क्लास मिलेगी। तो आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज हम मुख्य मुख्य सिर्फ और सिर्फ जो चीजें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, सुजस रिपोर्ट ही पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मैंने आपको कह दिया आज आज की बात है। संडे को कल वीकली टेस्ट मिलना ही मिलना है और फिर मंडे से सुचारू होगी। तो देखिए सुजस की क्या रिपोर्ट है, अपराध के विरुद्ध रिस्पॉन्स टाइम में राजस्थान अव्वल। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा ली, 100 FRV को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, वर्ष 2030 के लिए पुलिस विभाग का रोडमैप तैयार होगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अपराधों के विरुद्ध रिस्पॉन्स टाइम में राजस्थान पूरे देश में अव्वल है। पुलिस द्वारा लगभग सभी आपराधिक घटनाओं का खुलासा करके अपराधियों को पकड़ा जा रहा है और न्यूनतम समय में उनको सजा दी जा रही है। तो ऐसा मजबूत तंत्र राजस्थान में लगातार, क्योंकि सरकार राजस्थान विकास मिशन 2030 का टारगेट लेकर पुलिस विभाग का रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। तस्वीर में आप देख सकते हो ये 100 FRV को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। और कल एक घटना घटी तो भाई हम उनको सत सत नमन करते हैं और सल्यूट करते हैं ऐसे वीर हमारे राजस्थान के जवान को। सांप्रदायिक तनाव फैलाने पर सख्त कार्रवाई होगी, श्री प्रहलाद जी के परिजनों को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए की सहायता और पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दौसा की घटना कल दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी, इस दौरान हमारे एक पुलिस जवान कर्तव्य पालन के दौरान जान गंवा बैठे थे। कॉन्स्टेबल श्री प्रहलाद जी को श्रद्धांजलि, सत सत नमन, उनको हमेशा राज्य हमारा उनको याद करता रहेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक परिजन को सरकारी नौकरी और मुख्यमंत्री सहायता कोष से 20 लाख रुपए सहित कुल 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और पारिवारिक पेंशन, MIGA श्रेणी का मकान, कृषि कार्य के लिए कनेक्शन व गैलेटरी सामान के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर नियमानुसार विभिन्न राहत देने की घोषणा की है। तो एक तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के 16.90 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क, 29 नवंबर 2022 को योजना चली थी मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, 2 सेट यूनिफॉर्म के 1 से लेकर 8वीं तक की क्लास, और उसी दिन मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना चली थी और 200 रुपए उनके खाते में सिलाई के। उसी के तहत जो आंगनवाड़ी केंद्र है उन पे भी, वहां भी छोटे बच्चे, तो 16.89 यानी 8-9 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म के 2 सेट मिलेंगे, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। इस पर 125.80 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है। आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जाएगी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा रक्षाबंधन, जी बिल्कुल, श्रावण पूर्णिमा आ रही है, महिलाएं बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेगी। महिलाएं और जो बालिकाएं हैं, राजस्थान राज्य पथ परिवहन यानी रोडवेज जो बसें हैं उनमें निःशुल्क यात्रा करेगी। किस दिन? रक्षाबंधन के दिन यानी श्रावण पूर्णिमा को, और वो दिन है 30 अगस्त का। कौन सा? 30 अगस्त का। तो ये तैयार रहिए, मस्त रहिए, बालिकाएं और महिलाएं निःशुल्क यात्रा के लिए। इसके अलावा डायल 112 परियोजनाओं के तहत 100 फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल की स्वीकृति हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 के प्रारूप को मंजूरी दी, पार्ट टाइम कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। यानी राजस्थान सरकार ने पार्ट टाइम जो कार्यरत मानदेय कर्मचारी है उनके सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसके लिए राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इन नियमों के तहत मानदेय कर्मिकों को 2 से 3 लाख रुपए तक का रिटायरमेंट सहायता पैकेज सुनिश्चित हो सकेगा। बहुत अच्छी बात है। कार्मिक द्वारा 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 2 लाख रुपए, 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 2.5 लाख रुपए और 20 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर 2,75,000 रुपए और 25 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण पर 3 लाख रुपए का परिलाभ देना प्रस्तावित है। बहुत अच्छी बात है। ये बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की थी। मंडे को इसकी पूरी चर्चा अपने वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है? आज हम इसको इतना पढ़ रहे हैं।
अलवर 4153 को नौकरी का ऑफर, क्योंकि कल की तारीख को अलवर के अंदर मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ। टोटल 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने हैं, तो उसमें अलवर भी शामिल हो गया। 30,000 हस्तशिल्पी और आर्टिजन्स को 10-10 हजार रुपए की सहायता, यानी हस्तशिल्प और हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में 30,000 हस्तशिल्पियों और आर्टिजन्स को संबल देने के लिए 10-10 हजार रुपए की सहायता मंजूर दी। और आपको बताता हूँ, पूरी कोशिश रहेगी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर आपके लिए बेहतरीन बुक आ रही है, MCQ ऑब्जेक्टिव बुक, जिसमें मिलेगा आपको इंडिया इंटरनेशनल प्लस राजस्थान करंट अफेयर्स। जी बिल्कुल, इतने दिन हमारी सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक थी, अब इंडिया और इंटरनेशनल, ताकि और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़े। शानदार बुक, हर प्रकार का पोर्टल, योजना, पुरस्कार, खेल, युद्धाभ्यास, चंद्रयान से संबंधित क्वेश्चन, बजट से संबंधित हर प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, योजनाएं, फ्लैगशिप, सब। तो आपको झंझट नहीं रहेगा, एक ही बुक में सब कुछ मिल जाएगा, और ये जल्द ही हम कोशिश कर रहे हैं 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर मिल जाए। हनुमानगढ़ विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट NI एक्ट न्यायालय खुलेगा, और उदयपुर एयरपोर्ट का होगा विकास। वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी के लिए 4.1 करोड़ रुपए, कुछ दिन पहले बताया ना कि वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी कहाँ पे, जयपुर के अंदर, और इसके लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए 4.1 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। और ये देखिए, स्मार्टफोन का तो बात ही क्या है, लगातार मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी निःशुल्क स्मार्टफोन योजना की कहानी चल रही है। तो आज की रिपोर्ट मैंने बता दी, वैसे मैं क्लास नहीं ले पाया, मंडे से आपकी सुचारू रूप से मैं निरंतर वैसे ही जैसे हम पहले क्लास ले रहे थे वैसे मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कई बार वहां क्लास नहीं मिलती है तो यहाँ मिल जाती है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से। सारे विद्यार्थी आज चैनल को सब्सक्राइब करोगे सबसे पहला, क्योंकि मैं आपसे कुछ ज्यादा कुछ ही नहीं मांगता, मैं कभी लाइक शेयर का करता हूँ, लेकिन इस चैनल को बनाने का मकसद है, कई बार उसमें तकनीकी खराब आ जाती है, तो इस चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाए हर चीज, और छोटी छोटी योजनाएं मैं लगातार आपको दे रहा हूँ, तो आप निरंतर अध्ययन करें। अब मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन बताना है, हर एक पोस्ट से एक क्वेश्चन बताता हूँ। राजस्थान पुलिस महानिदेशक कौन है वर्तमान में, और राजस्थान के गृह मंत्री कौन है, 2 प्रश्न इस पोस्टर से। यहां से आपको बताना है राजस्थान की वर्तमान में महिला व बाल विकास मंत्री कौन है। इसके अलावा आप मेरे को ये बताना है कि राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, और मैंने वीडियो दे दिया राजस्थान में कौन क्या। इसके अलावा आपको बताना है राजस्थान के सामाजिक सुरक्षा व न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन है, और ये बताना है। इसके अलावा आप मुझे ये बताओगे राजस्थान के वर्तमान आयोजना विभाग के और कौशल विकास के मंत्री कौन है। एक तो आयोजना विभाग के बताओ, एक कौशल विकास के, ठीक है, ये जरूर बताना है। वर्तमान में राजस्थान के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और एकमात्र राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, ये सारे के सारे जवाब मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि आप निरंतर प्रवाह के साथ पढ़ सको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।